नमस्कार, शिमला से मैं हूं पुष्पेंद्र। आपका स्वागत है हिमाचल टॉप न्यूज़ के मॉर्निंग टॉप बुलेटिन में। आइए जानते हैं कुछ टॉप खबरें। मंडी के अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव में शनिवार को राजदेवता माधोराय की भव्य मध्य जलेब निकाली गई। इस जलेब में जल शक्ति व बागवानी मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। राजदेवता माधोराय की पूजा अर्चना के बाद विभिन्न देवी देवताओं की भागीदारी एवं देवालुओं के साथ यह भव्य जलेब ऐतिहासिक पंडल मैदान पहुँचे। इससे पहले जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने अपनी धर्मपत्नी प्रोमिला ठाकुर के साथ माधोराय मंदिर में विधिवता पूजा अर्चना की। इसके बाद पंडल में उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने सर्वप्रथम सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए कहा कि महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर छोटी काशी मंडी में देवी देवताओं का दारों व देवालुओं की मौजूदगी में गांव व शहर का एक अनूठा एवं भव्य मिलन होता है। आगे बढ़े केंद्रीय उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल। अपने काफिले के आगे चल रही पायलट के इंचार्ज पर खूब आग बबूला हुए। उन्होंने पायलट इंचार्ज को कार्रवाई तक की बात कह डाली। केंद्रीय राज्य मंत्री ने पायलट को हरोली क्षेत्र में जानबूझकर प्लांट पहुंचाने के आरोप भी लगाए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लैंड लाने की वजह से वह फूड पार्क का निरीक्षण समय पर नहीं कर पाए। दरअसल केंद्रीय मंत्री सिंगा में अब पहले किसान मोर्चों के पदाधिकारियों के घर पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने फूड पार्क का निरीक्षण करना था। पायलट का कहना था कि वह तय शुदा रूट पर ही उन्हें लाया था। आगे बढ़े जिला कांगड़ा के नूरपुर। नारकोटिक सेल की टीम ने गश्त के दौरान एक महिला से चिट्टा बरामद किया। पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लेकर मामले की आगामी जांच शुरू की। आरोपी महिला की पहचान प्रीति देवी निवासी चंग नागलिया तहसील हिंदौरा के रूप में की गई। बता दें कि उस महिला का पति पहले से ही NDPS एक्ट के तहत जेल में सजा काट रहा है। जानकारी के अनुसार नूरपुर नारकोटिक्स सेल टीम पठानकोट जालंधर राष्ट्रीय राजमार्ग संगेहण पुल के पास गश्त पर थी। इस दौरान सामने से आ रही महिला ने पुलिस टीम को देखकर एक पॉलिथीन लिफाफा झाड़ियों में फेंका। शक होने के आधार पर पुलिस ने महिला द्वारा फेंके लिफाफे को उठाकर जांच जब शुरू की तो उससे 3.78 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। DSP नूरपुर सुरेंद्र शर्मा ने मामले की पुष्टि कर दी है। आगे बढ़ी जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी के प्राचीन बाबा भैरव मंदिर के साथ लगते जंगल में पुलिस को एक 44 वर्षीय व्यक्ति का गला सड़ा शव पेड़ से लटका हुआ मिला। पुलिस को सूचना मिली थी कि जंगल में एक व्यक्ति का गला सड़ा शव पेड़ से लटका हुआ है, जिस पर पुलिस ने तुरंत मौके पर ही पहुंचकर कार्रवाई अमल में लाते हुए शव को कब्जे में लिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीते वर्ष नवंबर माह में एक व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट खुंडिया थाने में उसके परिजनों द्वारा दर्ज की गई थी। आगे बढ़े पिछले कुछ समय से बल्लेबाजी में अच्छा प्रदर्शन कर रही भारतीय महिला क्रिकेट टीम गेंदबाजों से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रखकर आज न्यूजीलैंड में अपने चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ ICC महिला वनडे विश्व कप का मैच खेलेगी। भारत 2005 और 2007 में उप विजेता रहा और इस बार वह खिताब से कम कुछ नहीं चाहता, विशेषकर तब जबकि उसकी दो स्टार खिलाड़ी कप्तान मिताली राज और तेज गेंदबाज जुलन गोस्वामी अपना आखिरी